finishes off in style. एक ऐसा बॉलर जिसने आते ही इंडियन क्रिकेट को एक नई धार दी, जिसने दिखाया कि अग्रेसिव सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ही नहीं बल्कि इंडियन भी हो सकते हैं। यह विराट कोहली से थोड़े पहले की बात थी जब इस खिलाड़ी ने अपने अग्रेशन से विपक्षियों को चित किया था। आज बेजोर क्रिकेट के इस नए यूट्यूब चैनल पर यह पहला वीडियो आया है और आज हम बात कर रहे हैं केरल एक्सप्रेस के नाम से मशहूर पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीशांत की। आइए जानते हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक सनसनीखेज शुरुआत करने के बावजूद भी एस श्रीशांत अपने क्रिकेटिंग करियर को उस मुकाम तक नहीं ले जा सके जिसके वो हकदार थे। जानेंगे उनके आईपीएल फिक्सिंग से जुड़े मामले, उनके एक्टिंग करियर के बारे में और साथ ही यह भी जानेंगे कि वो आजकल क्या कर रहे हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। 6 फरवरी साल 1983 को केरल राज्य के कोठमंगलम नामक जगह पर श्रीशांत का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम शांत कुमारन नायर और माता का नाम सावित्री देवी है। उनका एक भाई म्यूजिक कंपनी चलाता है और बहन एक टीवी एक्टर है। इस तरह से देखा जाए तो श्रीशांत एक म्यूजिक बैकग्राउंड वाले इंसान है, लेकिन उनका दिल रम गया क्रिकेट के मैदान पर। शुरू शुरू में वो लीजेंडरी लेग स्पिनर अनिल कुंबले को अपना आदर्श मानते हुए स्पिनर ही बनना चाहते थे, लेकिन अपने यॉर्कर की तारीफ सुनकर उन्होंने अपना इरादा बदला और खुद को फास्ट बॉलर बनाना शुरू किया। चेन्नई के एमआरएफ पेस फाउंडेशन में उन्होंने अपने गति में धार लाया और अब वो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए तैयार बैठे थे। साल 2002-2003 में केरल के रणजी टीम में उनका सिलेक्शन हुआ और उसी साल टूर्नामेंट में उन्होंने 22 विकेट लेकर धमाल मचा दिया। इसी का परिणाम हुआ कि उन्हें उसी साल दिलीप ट्रॉफी में भी चुन लिया गया। श्रीशांत लगातार खेले जा रहे थे, लेकिन लोगों ने उनका नाम उस समय जाना जब वो साल 2004 के रणजी ट्रॉफी में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ हैट्रिक विकेट लिए। यह कारनामा करने वाले वो केरल के पहले गेंदबाज भी बने। श्रीशांत का मेहनत रंग लाया और साल 2005 में उनका सिलेक्शन टीम इंडिया में हो गया। यह एक दिवसीय सीरीज होने वाला था जिसमें टीम इंडिया के सामने थी श्रीलंका की टीम। यह सीरीज उनके लिए कुछ खास नहीं रहा और वो अंदर बाहर होते रहे। साल 2006 का शुरुआती महीना चल रहा था, वो टीम इंडिया में शामिल थे और इस बार टीम इंडिया पाकिस्तान के दौरे पर 5 एक दिवसीय मैच खेलने वाली थी। इस सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान डकवर्थ लुइस नियम से जीत गया था, लेकिन अगले 4 मैचों में उसे हार का मुंह देखना पड़ा। यह बात 5वें एक दिवसीय मैच की है जिसमें श्रीशांत ने पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर इमरान फरहत, कामरान अकमल और शुएब मलिक समेत 4 विकेट हासिल किए और अपना खूंटा गाड़ दिया। इस मैच को भारत ने 8 विकेटों से जीता था। आपके रिमाइंडर के लिए बताते चले कि यह वही मैच था जिसमें धोनी और युवराज ने 3rd विकेट के लिए नाबाद 146 रनों की साझेदारी निभाई थी। इन आतिशी पारियों के बीच श्रीशांत का स्पेल कहीं खो गया था, लेकिन उनकी धार अभी बाकी थी। एक दिवसीय मैचों में उनका जलवा एक बार फिर दिखा जब उसी साल अप्रैल महीने में इंग्लैंड की टीम भारत आई थी और इंदौर में श्रीशांत ने 6 विकेट लेकर एक बार फिर से बता दिया कि उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। टेस्ट क्रिकेट में श्रीशांत का आगमन साल 2006 में ही हुआ। कुल 27 टेस्ट खेलकर श्रीशांत ने 87 विकेट लिए, जिसमें उन्होंने 3 बार एक इनिंग में 5 से ज्यादा विकेट लिए। टेस्ट क्रिकेट का सबसे मजेदार वाकया श्रीशांत के साथ उस समय हुआ जब वो साउथ अफ्रीका के दौरे पर गए थे। 15 दिसंबर 2006 को यह टेस्ट शुरू हुआ था, जोहान्सबर्ग का द वांडरर्स स्टेडियम। इंडिया ने अपने पहले इनिंग में 249 रन बनाया और साउथ अफ्रीका सिर्फ 84 रनों पर ढेर हो गई। इसमें कमाल था श्रीशांत का, जिसने 4 के औसत से 40 रन देकर 5 विकेट लिए। इस मैच को इंडिया 123 रनों से जीता था और इसमें श्रीशांत ने कुल 8 विकेट लिए थे, लेकिन यह यहीं खत्म नहीं हो गया था। इस मैच से जुड़ा है एक दिलचस्प किस्सा। साउथ अफ्रीकन खेमे का एक तेज गेंदबाज था आंद्रे नेल। वो बार बार श्रीशांत को पोक कर रहा था और श्रीशांत इग्नोर किया जा रहा था, लेकिन जो बातों को इग्नोर करे वो श्रीशांत कहेगा। नेल ने श्रीशांत को पहले बीमार मारा और फिर बताया कि तुम्हारे जिगर में दम नहीं है कि मेरे सामने बैटिंग कर सको। फिर इंतजार था अगले बॉल का, जिस पर श्रीशांत ने स्ट्रेट बाउंड्री पर 6 मारा और बैट को लहराते हुए डांस करते हुए नॉन स्ट्राइक एंड पर चला गया और नेल का गुरूर चकनाचूर किया। एक किस्सा और है, इसके बिना यह पूरी कहानी ही अधूरी रह जाएगी, क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट है महेंद्र सिंह धोनी का। साल 2009 के नवंबर महीने में श्रीलंका की टीम भारत के दौरे पर थी। दूसरा टेस्ट मैच कानपुर में खेला जा रहा था। उस मैच में श्रीशांत ने पहली पारी में 5 विकेट लिए और पूरे मैच में 6 विकेट अपने नाम किए। इस मैच को इंडिया एक पारी और 144 रनों से जीता था। मैच के बाद कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि श्रीशांत इस समय रिवर्स स्विंग डालने वाला दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज है। यह बात
भी आप लोग जानते ही होंगे कि साल 2011 का वर्ल्ड कप विनिंग टीम में श्रीशांत भी प्लेइंग 11 में शामिल था। उस पूरे टूर्नामेंट में श्रीशांत ने पहला मैच और आखिरी मैच खेला था। चलिए अब जानते हैं श्रीशांत के आईपीएल जर्नी को। साल 2008 में जब आईपीएल का पहला ऑक्शन हुआ, उसमें प्रीति जिंटा की किंग्स इलेवन पंजाब टीम ने उनको खरीदा। किस्सा एक मैच का है जिसमें किंग्स इलेवन पंजाब का सामना मुंबई इंडियंस से था। मुंबई की कप्तानी उस समय हरभजन सिंह के पास थी, जो अपना 3 मैच लगातार गंवा चुकी थी। किंग्स इलेवन पंजाब ने उस मैच में भी उसे हराया था। मैच के बाद श्रीशांत ने भज्जी के पास जाते हुए बोले, हार्ड लक भज्जी पाजी। इसके बाद भज्जी ने उसे तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद श्रीशांत बच्चे की तरह रोते दिखे। मैं थोड़ा वो सीरियस ले लिया। आई वॉज ओवर अग्रेसिव, आई एक्सेप्ट। मैच के बाद वो खत्म होना, सच में क्या हुआ मैं अभी वही बोल रहा हूँ। भी नहीं देखा हुआ आपने वीडियो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली क्या हुआ। जैसे हम वॉक कर रहे हैं, आप श्रीशांत हो, आप शेक हैंड करने आ रहे हो, भज्जी पा हार्ड लक, हार्ड लक भज्जी पा, ऐसे एंड अगेन स्लैप, ऐसे होते हैं स्लैप, ऐसे नहीं होते। हालांकि श्रीशांत ने कभी भी भज्जी के खिलाफ ऑफिशियल कंप्लेन नहीं किया, लेकिन बीसीसीआई ने हरभजन सिंह को दोषी मानते हुए 5 वनडे मैच का बैन लगाया। श्रीशांत उसके बाद आईपीएल के 5वें सीजन में स्पॉट फिक्सिंग का शिकार हुए, जिसमें उनके ऊपर लाइफ टाइम बैन लगाया गया था। फिर बाद में उसे घटाकर 7 साल किया गया, जो 13 सितंबर 2020 को खत्म हो गया। अभी वो केरल टीम की ओर से विजय हजारे ट्रॉफी में खेल रहे हैं और शानदार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। श्रीशांत अपनी किस्मत रियलिटी शोज में भी आजमा चुके हैं। वो एक खिलाड़ी एक हसीना, झलक दिखला जा, खतरों के खिलाड़ी समेत बिग बॉस में भी नजर आ चुके हैं। साथ ही वो अक्सर 2 जैसे बॉलीवुड फिल्म में भी दिख चुके हैं। इन सबसे इतर श्रीशांत भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं और वो केरल विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिसमें उनकी हार हुई थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तेज तर्रार गेंदबाज को उनके ऑनफील्ड बिहेवियर और उनके इंजरीज ने खासा परेशान किया, जिससे वो अब तक उबर नहीं पाए। अब जब डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी वापसी हो चुकी है, तो देखते हैं कि वो कब इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना जलवा दिखाते हैं। वैसे तो अभी उनकी उम्र 38 साल की हो चुकी है, इस हिसाब से देखा जाए तो उनकी वापसी की उम्मीद बहुत कम है। तो यही थी श्रीशांत की पूरी कहानी। आशा करते हैं यह आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और बेजोड़ क्रिकेट के इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर अब क्रिकेट से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां आने वाली है, जो बेशक ही आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी।